कभी वक्त पे घर आता ही नहीं। ओफो मम्मी, अभी इतनी देर कहाँ हुई है? आ जाएंगे भैया। इतनी जल्दी कैसे आएंगे इनके लाडले? सारे शहर की जिम्मेदारी उस बेचारे अकेले के सर के ऊपर है। जब तक उन जिम्मेदारियों से निपट नहीं लेंगे घर आएंगे कैसे? जब आप उसकी उम्र के थे तब देर नहीं करते थे आप? अरे देर न तब करता था ना आप करने की मजाल है। ड्यूटी खत्म करके सीधे ही घर वापस लौटता हूँ। माफ करना, शादी के बाद तो चाबी के गुच्छे की तरह बांध के रख लिया तुमने मुझको पल्लू से। अगर ऐसी ही बात है तो उसे भी किसी के पल्लू से बंधवाइए ना, देर से आना छोड़ देगा। हेलो हेलो अंकल, आप ज्योति को बुला देंगे प्लीज? हाँ हाँ जरूर बुला देंगे, लेकिन तुम कौन हो? राधा, तारा, सुलक्षणा, जयप्रदा, कौन हो तुम? मैं श्रीदेवी बोल रही हूँ। ओहो हो, श्रीदेवी बोल रही हैं? अरे वही छोटी बदन की मोटी काली कलोटी माँ कैसी है तुम्हारी? मम्मी मम्मी तो ठीक है अंकल, लेकिन आप मम्मी को कैसे जानते हैं? मैं तुम्हारी मम्मी को इतने करीब से जानता हूँ कि तुम्हारा बाप भी उतना नहीं जानता होगा। अच्छा ठहरो ठहरो, मैं बुलाता हूँ ज्योति को। ज्योति बेटी, तुम्हारा फोन है। मेरे लिए फोन डैडी? हाँ। हेलो श्रीदेवी, हाउ आर यू? कोई श्रीदेवी नहीं बोल रहा है, मैं रवि बोल रहा हूँ। ज्योति भैया, तुम? पापा बोल रहे थे किसी श्रीदेवी का फोन है। अच्छा अच्छा, वो सब ठीक है। पहले ये बता, तेरी कोई सहेली का नाम श्रीदेवी है? हाँ बिल्कुल है। उसकी माँ कौन है? तुम्हें उससे मतलब? मुझे उससे कोई मतलब नहीं ज्योति, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि बब्बर शेर का श्रीदेवी की माँ के साथ संबंध जरूर है। हो सकता है, पापा कह रहे थे कि जवान में उनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी। अरे सुन रहे हो ना भैया, लाइन कटने लगी थी। चिल्ला क्यों रही है? अगर माँ ने सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। अच्छा ये बता, बब्बर शेर साहब अपने पिंजरे में बंद है या नीचे जंगल, मेरा मतलब है हॉल में टहल रहे? नहीं, खूब डट कर खाना खाया, 5-6 बार शेर की तरह घुर रहा है और फिर फाइल लेकर ऊपर चले गए। इसका मतलब ये है कि नीचे का मैदान साफ है, खाली है। देखो ज्योति, मैं थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ। मगर मेरे आने से पहले बब्बर शेर नीचे तो नहीं आएगा ना? तुम आ जाओ ना, पर जरा जल्दी आना। माँ ने आज तुम्हारे लिए चिकन बिरयानी, मटन कोरमा, खिचड़ी पुलाव बनाया है। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी भैया। वाह, ये तो सुनकर मेरे मुँह से पानी टपकने लगा है। देखो ज्योति, मैं अभी आता हूँ। ओके बाय। आज मैं इसकी चिकन बिरयानी नहीं मटन कोरमा बनाऊंगा। पिताजी, 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 हम ये मानते हैं कि समाज को आपकी सेवा की सख्त जरूरत है, मगर आप ये क्यों भूलते हैं कि समाज को आपकी सेहत की भी जरूरत है? चलिए खाना खाइए। माय नेम इज एंथनी गोंसाल्वेज। अरे आप लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं? गुड, वेरी गुड। ज्योति, वो बब्बर शेर साहब सो गए क्या? अरे नहीं भी सोए तो क्या, कौन डरता है उनसे? उनके दांतों में इतनी ताकत कहां कि ये फौलादी गोश्त चबा सके। उनकी बत्ती सी मकई के दानों की तरह उखड़ कर गिर जाएगी। मां, वो शेर है तो मैं शेर का बेटा हूं। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड इवनिंग डैडी। आप अभी तक सोए नहीं? कैसे सो जाते, अभी तो अपने हाथों से तुमको चिकन बिरयानी और वो मटर कोरमा, खिचड़ी पुलाव, वो सब खिलाना बाकी है ना? खिचड़ी पुलाव जी। आई एम सॉरी डैड, इसका मतलब फोन पर आप बोल रहे थे? बोल रहा था नहीं, मैं बोल रही थी। वो जो टेलीफोन पर आप समझ रहे थे कि आपकी छोटी बहन है, वो आपकी बहन नहीं थी, वो मैं था। आप थे? जी हाँ। फैंटास्टिक डैड, यू ग्रेट डैड। डैड डैड, एक बात कहूं, अगर आप कलेक्टर की जगह फिल्म एक्टर होते ना तो पूरे फिल्म इंडस्ट्री के हीरोज के भजिए भिगवा देते। स्टॉप दिस नॉनसेंस, मस्का मत लगाओ मुझको, भजिए भिगवा देते। मैं पहले तुम्हारे पिकौड़े तो तल लू अच्छी तरह से। इधर आओ मेरे सामने। ये बताओ मुझे, रामप्रसाद क्या जो झगड़ा हो रहा था उसमें टांग अड़ाने के लिए तुम क्यों गए थे? वो रामप्रसाद अंकल का लड़का है ना? हाँ। वो मेरा दोस्त है। कई गुंडे उसके पिताजी को मार रहे थे और मारते ही जा रहे थे। मेरी खोपड़ी घूम गई और मैं टूट पड़ा। तुमको इस बात का एहसास नहीं है कि तुम्हारा बाप इस डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर है, कानून का एक अफसर है, और कानून के एक अफसर होने की हैसियत से उसकी जिम्मेदारी मेरे सारे परिवार पर आयद होती है, तुम पर आयद होती है। और जब तुम उस कानून को अपने हाथ में लेते हो तो उस कानून को तोड़ते हो तुम।
आप मुझे गलत समझ रहे हैं डैडी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तुम जो कहते हो ना उस पर नहीं, जो तुम लोग करते हो उस पर एतराज है। ये बात अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लो रवि, चाहे कोई भी हो, वो रईस हो या कोई मिनिस्टर हो, कोई सरकारी अफसर हो, कोई हुंडा हो, तुम हो या मैं हूं, जो कोई भी कानून को अपने हाथ में लेगा वो मुजरिम ठहराया जाएगा। जिन कामों से मैं तुम्हें मना करता हूं उनके न करने में तुम्हारा फायदा है, और उनके करने में तुम्हारा इतना भयंकर नुकसान हो सकता है कि जिंदगी भर उसका उपाय नहीं। ये मेरा मशवरा नहीं है बेटे, ये मेरी चेतावनी है। कलेक्टर की धांधली, कलेक्टर की धांधली, कलेक्टर के बेटे को, अरे बोला भूषण नाथ बोले बड़बोले की, भूषण नाथ बड़बोले की। इंस्पेक्टर। यस सर। ये जो उनका लीडर नारे लगा रहा है ना सर, उसे अकेले मेरे पास अंदर भेज दो। यस सर। कलेक्टर के बेटे को, स्टॉप इट। है ना, कहा है? कलेक्टर साहब तुमसे बात करना चाहते हैं। ऐसा देखा, भूषण के भाषण से कलेक्टर का पूरा कमीशन डर गया। ठहरो, हम जरा टाक करके आता हूँ, रास्ता छोड़ो। हाँ, क्यों महाशय? ये बाहर सब नाटक तमाशा किस लिए हो रहा? नाटक तमाशा नहीं साहेब, हम इलाके का लीडर हूँ। हमारा नाम है भूषण नाथ बड़बोले। हमने छोकरे लोग को बिना कोई गलती, बिना कोई मिस्टेक के उठाई के अंदर पटक दिया है। वो बेचारे पीरेस में अखबार खरीदने को गए थे, वहाँ क्रिकेट बॉल की तरह उनकी पिटाई कर डाली। हम इस जुलम के खिलाफ आवाज उठाने को आया हूँ। तुम्हारे इस चेहरे से साफ जाहिर होता है कि लीडर नहीं, किराए के टट्टू हो तुम। आए? किराए के टट्टू। और बाहर ये जो जिंदा मुर्दाबाद का तमाशा हो रहा है, ये तुम्हारा पेशा है, इसी की रोटियां खाते हो तुम। तुम्हारे लड़के उस प्रेस में अखबार खरीदने नहीं गए थे, उस अखबार के एडिटर के खिलाफ दंगा करने गए थे। इसलिए इसलिए कि वो एडिटर शहर के लुच्चे, बदमाश, सब गैर कानूनी धंधा करने वालों के खिलाफ बेधड़क लिखता है। अरे तो लिखता होगा, हमसे का लेना देना है? हम तो बहुत शरीफ आदमी हूं। और हम कहा है मालूम? RDU मतलब रिक्शा ड्राइवर यूनियन का लीडर हूं। इसके अलावा HGU मतलब हाथ गाड़ी की जो यूनियन है उसका भी लीडर हूँ। कोई मामूली आदमी नहीं हूँ। और तुम जानते हो मैं कौन हूँ? अरे कलेक्टर और का हूँ, हमारे जितने पोरा ठोली थोड़ी ना है तुम्हारे पास। इस जिले का हर दरख्त, हर खेत, हर रास्ता, सड़क पर चलता फिरता हर आदमी, तुम जैसा हर उठाई घीरा मेरे पोर्टफोलियो में है, समझे? अगर मैं चाहूं तो इसी वक्त तुम्हारी हड्डी पसली बराबर करा के और तुमको उसी लॉकअप में बंद करा दूं जिसमें तुम्हारे ये चेले हैं। लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि कानून को मैं अपने हाथ में नहीं ले सकता। ये बात मेरे उसूल के खिलाफ है। अलबत्ता मैं तुमको एक मशवरा देता हूं कि नौटंकी जो तुम अपने साथ लेकर आए हो यहां बाहर, उसे समेट कर तुम चुपचाप यहां से चले जाओ और इसका दो लफ्जों में मुझे जवाब दो, जाते हो या नहीं। मुड़े क्यों? मैं आपको नमस्कार करना भूल गया था। क्या तुम्हारी धमकियों से डरने की बजाय उसने उल्टा तुम्हारी टांग तोड़ने की धमकी देकर तुझे वहां से भगा दिया? तब तो इस कलेक्टर के बारे में कब्जा को कुछ कब्जे सोचने ही पड़ेंगे। अरे हम एक से एक टार मारने वाला कलेक्टर देखा है, मर ये तो हमको ऐसे धिक्कार रहा था जैसे लोग मोहल्ले में बीमार खुजली वाले कुत्ते को धिक्कारते हैं। बहुत अपमान किया हमारा। अरे तुम्हारा तो सिर्फ उसने अपमान ही किया, लेकिन उस कलेक्टर के बच्चे ने तो मेरी दुकान बंद करने का नोटिस ही भेज दिया। अब मैं अपना दुखड़ा किसके पास रहूं? एक बात बताएं? बताओ। आप एक अर्जी लिखो, राजधानी भेजो। ये जो कलेक्टर है सब बिरांडी वालों से रिश्वत लेता है और हम जैसे गरीब शरीफ देसी दारू वालों की दुकान को ताले लगा रहा है। आईडिया में दम है? कम है। मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है कि इस आदमी की पहुंच बहुत ऊपर तक है। देखो, ये आदमी इस इलाके में नया नया आया है, इसलिए इसे प्यार के हथियार से मार देना चाहिए। सब मथुरा के कृष्ण कन्हैया की इच्छा है। एक बात बोले साहब? बताओ। ये सब धांधली काय को हो रही है? काय को? अपने इलाके का MLA मरगवा है,
अब नए एमएलए के लिए बहन इलेक्शन नहीं हुआ है, वो नहीं, कौन सा इलेक्शन? भाई इलेक्शन। हाँ, भाई इलेक्शन नहीं हुआ तभी धांधली हो रही है। देखो जल्दबाजी मत करो भूषण नाथ, मुझे फिर इन्फॉर्मेशन मिला है कि इस बार इस इलाके में बाय इलेक्शन हो रहा है और पार्टी तुम लोगों की बिरादरी में से किसी को सीट देने की सोच रही है और मैंने फैसला किया है कि ये सीट एमएलए की तुमको ही मिलनी चाहिए। अरे अरे भगवान, मेरे प्रभु, मेरे मालिक, अरे अरे इलो इलो, अरे आप विश्वास करें कि नहीं करें, हम पिछले एक हफ्ते से हर रात सपने में असेंबली देख रहा हूँ, बस एक बार अंदर जाने का चांस मिल जाए, सुबह एमएलए बनने के बाद शाम को कुर्सी छोड़ने को तैयार हूँ, पर एक बार हमको एमएलए बना दीजिए, एमएलए बना। हाँ, बना दूंगा, बना दूंगा, राजनीति का रूट भी दिखा दूंगा, सब मुंबई के सिद्धि विनायक की इच्छा है। पी डालिए, सब दारू पी डालिए, मगर इस गरीब को असेंबली में फेंक डालिए। सुना है कल प्रेस में तुम्हारे भैया ने गुंडों की खूब पिटाई की। हाँ। अरे मर्द हो तो ऐसा। ए, अगर तुम्हें मेरे भैया जैसे मर्द की तलाश है तो फिर तुम्हारे लिए अपने भैया से बात करूं। ये क्या बदतमीजी है? अरे ये बदतमीजी नहीं है जाने मन, ये तो जवानी की मस्ती का नशा है। यस। अच्छा तुम लोगों ने जो एरो मारे हैं ना, इसके बदले अगर मैं ये डिब्बा मारूं तो तुम्हारा चेहरा चटनी की तरह चपटा हो जाएगा। प्लीज मारो ना, मारो ना। मुझे खूबसूरत लड़की की मार एकदम आइसक्रीम की तरह लगती है, प्लीज मुझे मारो ना। तो खाओ आइसक्रीम। चल प्रकाश। आई एम सॉरी। इट्स ओके। आपने तो फूलों की बरसात करवा दी और फूलों की चोट बड़ी नाजुक होती है।